बस एक प्रश्न है कि हम क्या चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं। यद्यपि इसका उत्तर एक दो चार हजार लाख नहीं होगा, अनंत होगा। कोई कहेगा हमें धन चाहिए, कोई कहेगा पुत्र चाहिए, कोई कहेगा यश चाहिए, अनेक प्रकार के उत्तर होंगे। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने व्यक्ति हैं, जितने जीव हैं, उतने प्रकार के उत्तर बन जाएंगे। सबका अपना अपना प्राप्तव्य, अपना अपना लक्ष्य अलग अलग है, अपना इंटरेस्ट सबका अलग अलग है, रुचि अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है, तीन गुण के आइडियाज सबके अलग अलग हैं, इसलिए सबके उत्तर भी अलग अलग होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी से पूछो एक वस्तु ले लो, तुम क्या चाहते हो? हम धन चाहते हैं। धन चाहते हो? कितना? बहुत सारा। अब हजार रुपए की हैसियत वाला एक लाख की बात करेगा, एक लाख की हैसियत वाला एक करोड़ की बात करेगा, एक करोड़ की हैसियत वाला एक अरब की कामना करेगा। सब अपने से आगे प्लान बनाते हैं। कोई भिखारी प्राइम मिनिस्टर का प्लान नहीं बनाता, अपने से आगे बनाते हैं सब। अच्छा, तो ये इतना सारा पैसा आप लेके तुम क्या करोगे? ऐसे से साफ सामान आ जाएगा जो हम चाहेंगे। अच्छा, तो सामान तुम्हारा पाना लक्ष्य है, पैसा नहीं? हाँ हाँ, वही मतलब है। पैसे को क्या खाएंगे कि ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे, क्या करेंगे? अरे पैसे से कोठी बनवाएंगे, कार खरीदेंगे, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले वगैरह सामान खाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। यानी इन पांच इंद्रियों के विषयों का सेवन, ये सुख पैसे से मिलेगा, इसलिए पैसा चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या कहा? सुख। तो तुम सुख चाहते हो? हाँ जी। अब प्रत्येक व्यक्ति से इसी प्रकार पूछते जाओ, तुम बेटा क्यों चाहते हो, तुम प्रतिष्ठा क्यों चाहते हो, तुम पोस्ट क्यों चाहते हो, तो सबका आखिरी उत्तर होगा आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, चैन मिलेगा। तो जितना भी विश्व है ये सब सुख के लिए है। एक वाक्य में, माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा, सबका उद्देश्य एम आनंद, सुख पाना। तो क्यों जी ये सब तुमको मिला नहीं क्या अभी तक? मिला, अनंत जन्म बीत गए हमारे संसार में घूमते घूमते 84 लाख में। हम अनंत बार अरबपति बन चुके हैं, स्वर्ग जा चुके हैं, मृत्युलोक की कौन कहे। मृत्युलोक का सुख तो समझ लो एक तरह से विष्ठा है, स्वर्ग में इतना सुख है, वहां तो अमृत भी है, स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, बड़े बड़े आयुष आराम के सामान है। अस्तु, हमने ये समझा कि हम केवल सुख चाहते हैं, सुख के लिए शेष सब सामान चाहते हैं, कोई सामान चाहते हैं सुख के लिए, जहर मंगा के खाना चाहते हैं। अच्छा, क्यों?
मरना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि अब दुख सहा नहीं जाता, मर जाए छुट्टी मिले, आनंद से सुख मिले, दुख चला जाए। तो हर प्रयोजन, हर संसार का सामान अपने सुख के लिए, अपने ध्यान रखना, दूसरे के सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए। हमने सब कुछ जो प्राप्त किया या करना चाहते हैं अपने सुख के लिए, बाप के, माँ के, बेटे के, बीवी के, पति के सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए। और जब तक हम अपना असली सुख नहीं पालेंगे, तब तक प्रत्येक वर्ग अपने सुख के लिए ही करेंगे। ये अकाट्य नियम। अब देखो सुख की थोड़ी सी झलक दिखाएं आपको। आप लोग तो पहली कक्षा में भी नहीं है अभी। देखो पहली कक्षा का सुख क्या होता है। संपूर्ण पृथ्वी का एक राजा हो, ध्यान दो एक एक शब्द पर। आजकल तो जनतंत्र है, सत्य के कोई राजा है ही नहीं। और अगर कहीं हो भी, एक छोटे से देश का राजा हो गया, सारे विश्व का एक राजा हो, तो वर्तमान काल में तो इम्पॉसिबल कहना पड़ेगा। फिर राजा की युवावस्था हो, वो सुंदर हो, स्वस्थ हो, प्रजा भी सब अनुकूल हो, उसके परिवार वंश सब अनुकूल हो, तो ऐसा संपूर्ण पृथ्वी का एक राजा इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सुखी है। उसका सपना भी नहीं है और किसी को, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर हो जाए अपने देश में। अब देखो इसका हजारों गुना बड़ा सुख स्वर्ग लोक के मानव गंधर्व लोक में, और उसका हजारों गुना बड़ा सुख देव गंधर्व के लोक में, और उससे हजारों गुना बड़ा सुख पितृलोक चिरलोक के सुख में, और उस पितृलोक के सुख के परिमाण से भी हजारों गुना बड़ा आजानज कर्मदेव का सुख। आजानज कर्मदेव भी हजारों गुना करो तो उतना बराबर कर्मदेव के सुख के, हजारों कर्मदेव के सुख बराबर एक इंद्र के सुख के, हजारों इंद्र के सुख बराबर एक बृहस्पति के सुख के, हजारों बृहस्पति के सुख बराबर एक प्रजापति के सुख के, हजारों प्रजापति के सुख बराबर एक ब्रह्मा के लोक का सुख। इतने सुखों को आप लोग भोग चुके, अब भूल गए, मृत्युलोक में आकर फिर वो छोटी मोटी चीजों में आनंद ढूंढ रहे। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्म लोक तक हम लोग चक्कर काटते रहे अनंत बार, कभी ऊपर कभी नीचे, कभू स्वर्गे उठाए कभू नरके डुबाए, और कभी मृत्युलोक में घुमाए, ऐसे हम घूमते रहे 84 लाख में। लेकिन ये ब्रह्मलोक तक के जो सुख है वो सब माइक प्राकृत मटेरियल नश्वर लिमिटेड तमाम गड़बड़ी है। हम जो सुख चाहते हैं वो अनंत मात्रा का हो और सदा के लिए हो। दो शर्त, अनंत मात्रा का हो
और सदा के लिए हो। और तीसरी शर्त है कि वो सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाए, कभी एंड ना हो। ये तीन शर्तें हैं, ऐसा सुख हम लोग चाहते हैं। और जितने हमने आपको गिनाए ब्रह्मलोक तक के सुख, वो कैसे हैं? लिमिटेड, नंबर एक, सीमित। नंबर दो, वो भी हमेशा नहीं मिले रहेंगे। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। पुण्य समाप्त हो गया तो फिर स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक आ गए, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में आ गए। यानी अनित्य है वो, सदा नहीं रहेगा। जो मिला भी वो भी, और वो घटता जाता है, बढ़ता नहीं। आप कोई चीज देखिए, एक दिन ज्यादा सुंदर लगेगी, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन और कम, फिर खत्म। चाहे वो संसार की कोई वस्तु हो, चाहे स्त्री पुरुष हो कोई भी, वो प्रेम, वो रस, वो आनंद, वो सुख घटता जाता है संसार का। जैसे नहर होती है, जब गंगा जी जमुना जी से निकलती है तो बड़ी लंबी चौड़ी होती है, गहरी होती है। अब उसमें से तमाम नहरें निकलती जा रही हैं आगे, तो वो छोटी होती जा रही है, अब आखिर में एक नाली की तरह हो जाती है। ऐसे ही संसार का सुख घटता जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये सब सुख हम भोग चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं। जो हालत यहां एक भिखारी की, दो रोटी मांगने वाले की है, वही हालत इंद्र की है। क्यों? कि जितनी बीमारी है दुख देने वाली, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब वहां भी है। स्वर्ग सम्राट इंद्र के पास भी ये सब बीमारियां हैं, और वही बीमारी सब लोगों को है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी सब को। तो भोग तो बराबर मिल रहा है सबको। जो सुख गाय को हरी घास में मिल रहा है, वही सुख आपको रसगुल्ले में मिलता है। जिस दिन गाय को सूखी घास मिलती है, जिस दिन आपको रोटी दाल मिलती है, आप मुंह बिचकाते हैं, इसमें घी भी नहीं है, इसमें बघार भी नहीं है, साथ में तरकारी भी नहीं है, ये कोई खाना है, तो नरक है, ऐसा बोलते हैं आप। वही चीज एक व्यक्ति को दुखदाई है और वही चीज एक व्यक्ति को सुखदाई है। एक गरीब को आज नई साइकिल मिली, वो बड़ी शान से चल रहा है घंटी बजाता हुआ, और जब बहुत दिन बाद बोर हो गया साइकिल से, तो मोटरसाइकिल मिल गई एक बार, और जरा बड़ी हैसियत हो गई। आप क्या ठाठ है उसके, अनावश्यक घूम रहा। और जब और बड़ा आदमी हुआ और कार खरीद लिया मारुति, आप क्या बात है, जगह जगह घूम रहा है, रिश्तेदारों के यहाँ, सब दोस्तों के यहाँ, हमने कार खरीदी है, बिना पूछे बोल रहा, इसमें 3,80,000 लगा। अरे पूछने दो तो बताओ ना, अच्छा हमने कहा पहले ही बता दो, इतने उतावले हो रहे हैं। अब कुछ दिन मारुति में बैठने के बाद जब और गाड़ियां देखा, मर्सिडीज वगैरह, अरे ये भी कोई गाड़ी है, डब्बा है। यानी मनुष्य अपने से आगे देखकर दुखी होता है, और जिस जगह वो है उसकी में उसके नीचे वाले समझते हैं बड़ा सुख है, बड़ा सुख पा रहा होगा है। और उससे पूछो, वो कहता है हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है,
हम कार से आए दिल्ली से यहां तक, मर गए इतनी गर्मी। बाप की कार तो एयर कंडीशन है, ठाट से आए होंगे। जब आप बस में आते थे तब उससे तो कार अच्छी है। तो सब दुखी है, देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, सत्व गुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, सर्वत्र दुख ही दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता। अब इसके ऊपर चलो, अब जहां असली सुख है, पहला नंबर ब्रह्मानंद, मोक्ष, उसको कहते हैं स्वरूपानंद। वहां कोई दुख नहीं, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न ईर्ष्या, न द्वेष, न मन, न बुद्धि, न शरीर, बस आत्मा रहती है और आनंद में लीन रहती है। ये ब्रह्मद्रव का, कारणारणों का सुख है, अलौकिक सुख, अनंत सुख, सदा रहने वाला सुख, लेकिन बढ़ने वाला नहीं। एक कमी है, प्रतिक्षण बढ़ने वाला सुख ये नहीं है। ये एक रस, एक सा सुख सदा रहेगा, रहेगा अनंत दिव्य, कभी छीनेगा नहीं, और संसार में वो आएगा भी नहीं कभी, कि शरीर धारण करें और शरीर के दुखों को भोगें। ये बाल्यावस्था का दुख है, बेचारा बच्चा कुछ बता नहीं सकता, दुख भोग रहा है, पाखाने में, पेशाब में पड़ा है, रो रहा है, भूखा है, बोल नहीं सकता, हमें दूध पिलाओ, पेट में दर्द है, बता नहीं सकता, हाथ से इशारा भी नहीं कर सकता पेट की तरफ, कितना दुख भोग रहा है वो बच्चा। आगे पढ़ाई शुरू हुई, अब फिर दिन रात लगे रहो, खोपड़ी की लगाए रहो पढ़ाई में, अब फिर चिंता आ गई, परीक्षा आ गई सिर पर, रात रात भर जागो चाय पी पी के, अब परीक्षा हो गई, कब रिजल्ट आउट होगा, पता नहीं क्या होगा, फर्स्ट आऊंगा कि सेकंड आऊंगा कि फेल होऊंगा, चलो पास हो गया, अब अगले साल को करना है, उसके बाद वो करना है, फिर एमए करना है, अब इसके बाद नहीं, वो ब्याह करना है, बीवी होनी चाहिए। क्या मजे हैं, देखो तो मसूरी में हाथ में हाथ, कंधे पे हाथ डालकर चलते हैं दोनों जुगल सरकार। ऐसे हम भी करेंगे, आनंद। एक दोस्त से पूछा, क्यों भाई? अरे साहब क्या पूछते हैं आप, आनंद ही आनंद है हमारे यहाँ, जल्दी ब्याह कर लो तुम भी। कर लिया। हाँ अरे भाई, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, बच्चा नहीं हुआ। अब बच्चे की बीमारी पैदा हो गई, सास भी, ससुर भी, सब चारों ओर से सहेलियां भी, अरे तो बांझ है, इसका मुंह मत देखो, अरे तो मैं क्या करूं, मेरे बच्चा नहीं हो रहा है तो मेरा दोष है कोई, कितना दुख है। अब हो गए बच्चा, एक हुआ, दो हुआ, चार हुआ, उसको पालो, वो रो रहा है, वो बीमार हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, क्या मनुष्य जिंदा कैसे है आप जब है? इतना दुख भोग करके, तो ये सब दुख मुक्त को नहीं है, जो मोक्ष को प्राप्त कर चुका वो सदा आनंदमय है, क्योंकि संसार में आएगा। अब उसके आगे सगुण साकार भगवान का सुख है, उनका नाम महाविष्णु, उनमें तीनों बातें हैं, अनंत सुख नंबर एक, अनंत काल के लिए नंबर दो, और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमानंद भी मिलेगा। प्रेम 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 भगवान की, सगुण साकार भगवान की एक पावर का नाम है प्रेम, वो सबसे सरस है,
इतनी सरस है, इतनी पावर है उसमें कि भगवान उसके इशारे पर नाचते हैं। जैसे हम लोग माया के इशारे पर नाच रहे हैं, ऐसे भगवान अपने ही दिव्य प्रेम के इशारे पर नाचते हैं। लेकिन वहां भी ऐश्वर्य अधिक है, माधुर्य कम है। ऐश्वर्य अधिक जहां होता है वहां रस कम मिलता है। आपका बाप, आपका बेटा जब कोई ऑफिसर बन करके ऑफिस में बैठा रहता है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, और आप माने आप उनके बेटे हैं या बीबी हैं या बहन हैं, दूर से देखते हैं, प्यार नहीं उमड़ता। उड़ा हुआ तरीके बैठा हुआ, बड़े सीरियस, अपनी बीबी को भी देखते हैं तो सीरियस, कैसे आए, जैसे कोई पराये से पूछ रहा हो। अब जब वही व्यक्ति घर में आता है तो अपने बच्चों को गोदी में लेके मटकता है, तोतली भाषा में बोलता है, बीबी से कैसे लिपटता है, सब बदल गया उसका। तो बीबी चाहती है वो अपने प्राइवेट कमरे वाला पति, बेटा चाहता है वो लुंगी लगाए जो हमारा बाप मिले हमको अपने घर में, वो हवा वाला नहीं। तो भगवान विष्णु ऐश्वर्य युक्त है, उनकी कोई लीला नहीं है, वो अवतार नहीं लेते, चार भुजा वाले नारायण कहते हैं उनको। तो उससे भी अधिक आनंद द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान, ये भी चार भुजा वाले, लेकिन इनमें लीला है, परिकर है, दास भी है, सखा भी है, मां बाप भी है, और प्रेयसी तो 16108 है। लेकिन थोड़ा ऐश्वर्य यहां भी है, वैकुंठ से कम है, माधुर्य अधिक है, उससे अधिक रस मथुरा में। ये दो भुजा के श्री कृष्ण है मथुरा वाले, इनमें बहुत कम ऐश्वर्य है, अधिक से अधिक माधुर्य है, और सबसे अधिक सरस वृंदावन के श्री कृष्ण। इनमें ऐश्वर्य घुस नहीं सकता वृंदावन के, केवल माधुर्य माधुर्य। ऐश्वर्य का काम किया लेकिन उसमें भी माधुर्य वो तब प्रोत रहा, जैसे पूतना को मारा, किसी अवतार में ऐसा नहीं किया कि 6 दिन की उम्र में इतनी बड़ी राक्षसी को मार दे, 6 दिन के श्री कृष्ण, और 12 मील लंबी, 12 मील कितनी लंबी औरत राक्षसी, 12 मील तक जब वो गिरी है तो 12 मील तक के पेड़ सब गिर गए उसके दबाव से, और उसको 6 दिन के श्री कृष्ण ने मार दिया हंसते हंसते, बस उसका आस्तन पकड़ के मुंह में डाला और प्राण खींच लिया और मर गई। ना मुक्का न थप्पड़, ना कोई चप्पल जूता, ना कोई चक्र वक्र, कुछ नहीं। ऐसे ही अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, सकटासुर, शंखासुर, तमाम राक्षसों को हंसते हंसते मारा, यानी ऐश्वर्य का काम किया लेकिन माधुर्य से, केवल माधुर्य। तो प्रेम तो वैकुंठ के स्वामी नारायण में भी है लेकिन ऐश्वर्य अधिक है, उससे कम ऐश्वर्य प्लस प्रेम द्वारिका में, उससे कम ऐश्वर्य प्लस प्रेम मथुरा में, और सबसे अधिक माधुर्य और केवल प्रेम
ये वृंदावन के रस में है, तो वहां का रस ऐसा है वो श्यामा श्याम का रस कहलाता है। वो श्यामा श्याम का रस अपने आप नहीं मिल सकता, कोई करोड़ कल्प तप करे, गुरु के शरण जाना पड़ेगा। जिसको उनका दर्शन उनका प्रेम मिल चुका हो ऐसे गुरु के शरण जाना होगा, और वो शरण भी 100%, थोड़ी भी कमी ना हो, मन बुद्धि का पूर्ण समर्पण, उनकी इच्छा में इच्छा रखना, तन मन धन से उनकी सेवा करना, उनके आदेश का आज्ञा का पालन 100% करना, तो ऐसे भक्त में जो भक्ति है उसको पाने के लिए हमें उनकी शरणागति स्वीकार करनी होगी। उसी भक्ति के अंडर में भगवान है, तो उनका वो लक्षण है भक्ति वश्य। मैं एक शब्द का अर्थ कर रहा हूं इतनी देर में। भगवान का सबसे बड़ा गुण है श्री कृष्ण और राधा का भक्ति वश्य, यानी उस प्रेम के वे अधीन है। और भक्त वत्सल होना यह अलग बात है, वो भक्त की रक्षा करते हैं, उसमें तो गार्जियन है, रुआब है, ये भक्त वश्य है गोपियों के प्रेम की, भक्तों के प्रेम की, भक्ति के अंडर में है। इसलिए सबसे बड़ा रस ये भक्ति रस है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें गुरु की शरण में रहकर साधना करके अंतःकरण शुद्ध करना होगा, तब गुरु कृपा से वो दिव्य भक्ति मिलेगी जिसके वश में भगवान रहते हैं, और वो भक्ति वश्य नाम चरितार्थ होता है।